भैया बोले धोबी भैया वस्त्र तो दे करके ही जाओ। धोबी बोला सुना घनश्याम राजा के कपड़ा पहनोगे, चेहरा देखा है और बोला ओ झोपड़ियों के रिनी बने और मथुरा भी सभी अहीर नहीं और यहां सानन तेरी हर चल पाएगी न दबाना की जागी। तो भगवान बोले धोबी अब सीधी साधी बात करी तू उल्टा सीधा बकता है ना लायक नीचे बचनों पे तू कैसा जहर उगलता है। आगे बल के भगवान ने धोबी के गाल पे कस के तमाचा दिया, पछाड़ खा के धोबी जमीन पे गिर गया, तड़पते तड़पते उस धोबी का प्राणांत हुआ बाबा। और बड़े भगवान तो कंस के दर्जी के पास में गए, ये कंस का दर्जी भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, तो जो उल्टे सीधे वस्त्र पहन लिए थे ग्वालों ने, राजा के कपड़ा देखे तो थे नहीं कभी, जामे का पाजामा माना पाजामा जामा बना लिया, जो पैरों में पहने थे वो ऊपर पहन लिए, जो ऊपर पहने थे वो पैरों में पहन लिए। तो कंस का दर्जी उन सब के वस्त्रों को ठीक करता है, तो भगवान उन्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारे घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी, तुम धन धान से हमेशा सक्षम रहोगे। और बड़े आगे तो क्या देखा कि सामने से कंस की दासी आ रही है, एक हाथ में चंदन का कटोरा है, दूसरे हाथ में लाठी है, झोंके झोंके आ रही है, सुंदर कितनी है। तो सारे कुरूप को जोड़ी जानी जय ब्रह्मा जी ने श्री गाथा कन्हैया कुबेजा के करीब गए, बोले कुबेजा कहां जा रही हो? जवाब दिया महाराज कंस के तिलक करने जा रही हूं। तो कन्हैया बोले कुबेजा तो कंस के मेहमान तो हम ही है, क्या हमारे तिलक करोगे? जवाब दिया प्रभु अगर आप हमसे तिलक लगवा लो तो हमारी किस्मत ही बन जाएगी। जो मनसुखा ने सुना लाठी उठाई और कुबेजा से बहुत दूर जाके खड़ो और आवाज लगाई, अरे तिलक लगवाए तो तू ही लगवाई, हमारे ढेरना चली जाए, जाके हाथ के छुए चना नहीं चबे जाए, पता नहीं कौन सी आदत है, बोले लायक बाग से बोले लगत हुआ, ना बोले लायक बाग से बोले लगत हुए, हमें से तिलक नहीं लगवाए। कन्हैया बोले कुबेजा और तो तुमसे कोई तिलक नहीं लगवाए, हमें लगवाना है हमारे करो। अब कुबेजा कन्हैया के तिलक करने को आगे बढ़ी और जब आगे बढ़ी लेकिन माथे तक नहीं पहुंच पा रही, उचक उचक के रह जाती, तो कन्हैया ने थोड़ी से हाथ लगा के धीरे से झटका मारा, हुआ ऐसा तो मोहन का हाथ लगा दई और कुदरी मिट्टी की छवि मान भई
और फट गया यकायक परदासा वही दासी तेरी समान आई कुबेजा सुंदर बने गए देवी की तरह बहुत सुंदर जो कुबेजा सुंदर भाई मनसुखा दूर खड़ो रहे धीरे 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 वही पहुंच गए जहां कुबेजा खड़ी है। कन्हैया बोले कुबेजा और तो तुमसे कोई तिलक नहीं लगवाएगा हमें लगवाना था हमने लगवा लिया जा। मनसुखा धीरे से बोलो कह रहे वृंदावन छोड़े आए मथुरा चले आए तूने अपनी आदत नहीं छोड़ी बढ़िया बढ़िया मांगकर खुद खाता था हमें क्या मिलता था अब अपने तिलक लगवा लिए कह दिए जा कुबेजा कह रहे मेरे तिलक नहीं लगवाएगा क्या। कन्हैया बोले अभी तो मना कर रहा था मैं इससे तिलक नहीं लगवाएंगे। मनसुखा बोलो मने कर रहे थे वो तो तब कर रहे थे अब क्या कर रहे हैं लगवा लेना। अब सबके तिलक किया और कुबेजा जो है वहां से चली गई और बड़े भगवान आगे जहां कंस का धनुष रखा है और जहां कंस का धनुष रखा है भगवान आगे बड़े पहरेदार खड़े हो गए कौन हो पागलों की तरह भागते जा रहे हो भोजराज कंस का आदेश है कोई अंदर नहीं जा सकता। दाती को पीस करके भगवान बोले पीलवान अब ये झुकने का वक्त नहीं है। और भगवान आगे बढ़ के कहते हम झुके और इसी का दारी झुके बच्चे से भेड़ी झुकी जाती है और उभरे तो ऐसे उभरे जैसे ज्वाला उभरा के पहरेदारों को मार मार के भगा दिया और कंस का धनुष उठा के तोड़ दिया। ये काम करने के बाद पुनः नंद बाबा के पास चले आए भगवान। ये 51 रुपया मेहनत कर रहे हैं ये राधे श्याम शीतलपुर के रहने वाले हैं उनकी तरफ से